हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल रात में एक इश्यू हो गया, मुझे पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है। जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता, अपनी बाइक बाहर पार्किंग में खड़ी रही थी, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पर मेरा जो ये जो ऑन ऑफ वाला होता है पाइप होता है, यानी फ्यूल सप्लाई का, पेट्रोल सप्लाई का जो ऑन ऑफ करने का पाइप होता है, टूट गया। जिसे मैं आपको दिखाना चाहता, ये टूट के बाहर आ गया, अंदर छोटा हिस्सा है, ये बाहर आ गया। जिसे हम लोग ऑन ऑफ करते वो वाला हिस्सा, जिसे चाबी लगाते ऑन ऑफ करते, तो ये टूट गया, ये मतलब हो गया। तो दोस्तों, कहने की बात है, वो तो टूट गया, उसके लिए मैंने नया परचेस करके आ गया। इसका दाम है अंदाजा 201 रुपया, यहाँ पे बता दिया है, लेकिन ये मुझे 170 रुपया में मिल गया। एआर कंपनी का, इसको कहते हैं पेट्रोल टैप, या कोई कोई पेट्रोल टी भी कहते, पेट्रोल टैप भी कहते, पेट्रोल टी भी कहते। तो इसको मैं अभी नया लेके आया, ये मुझे लगाना पड़ेगा। दोस्तों, एआर कंपनी का पेट्रोल टैप मैं लेके आ गया, उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है ना, रिप्लेस करना है, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, ये जो पाइप है पेट्रोल पास होने वाला, इसको मैंने हटा दिया, इसको निकाल दिया, इसको बाद में बिठा दे। ये जो नटबोल है ये आपको निकालना पड़ेगा, ये कैसे रिंग पाना से निकलेगा, ये आपको 22 नंबर का पाना लगेगा, 22 नंबर का। जैसे मैं ढीला करता, ये बाजू अगर घुमाएगा तो फिट होएगा, ऐसा उल्टा घुमाएगा तो ढीला हो जाएगा। जैसे मैं इसको पहले ढीला कर देता हूँ, बाद में हाथ से मैं घुमा के निकालता हूँ, ये बाजू मैं घुमा रहा हूँ, फिर निकलेगा, इसको निकाल देता हूँ। निकालना है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पतला पाइप है, लेकिन जो मोटा पाइप है वो अंदर ही है, तो अच्छा है वो, तो उसको मैं नहीं निकालता, उसको मैं वैसे रख देता, इसको ही डालूंगा। तो मैंने जो नया लेके आया परचेस करके, इसे मैं निकालना चाहता हूँ, इसे मैं निकालता, चाबी को बाजू में कर देता हूँ, इसे लगाना है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने निकाला, ये जो बड़ा पाइप है मोटा वाला, ये अंदर है, वो फिटिंग में वो अच्छा है, तो इसको रखते, ये कभी तो काम आ जाएगा, तो इसको बाद में हम लोग लगाते, इसको मैं लगाने वाला हूँ बाद में। तो इस सबसे इसको हमें फिट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रबड़ है, इसको भी मैं रबड़ को निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये रबड़ को, यानी वाइजर के जैसा ये काम करता, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे मैं अंदर डाल रहा हूँ, यहाँ से अंदर डालूंगा और फिटिंग करूंगा, इसको फिटिंग दबा के फिटिंग करना है। इसको करने के बाद इसको आपको ऐसे घुमाना है, टाइट करना है, ये स्क्रू को टाइट करना है। पहले मैं उंगली से करता हूँ, बाद में मैं पकड़ से करूँगा, 22 नंबर का पाना लगेगा, इसे फिटिंग कर रहा हूँ पहले। दोस्तों, इसको मैं फिटिंग करके ले लेता हूँ, ये पाना से फिटिंग मैं करके ले लेता हूँ, वीडियो पोस्टपोन कर देता हूँ। पेट्रोल टैप फिट कर दिया, फिट हो गया, पाइप भी लगा दिया, देखते लीकेज कहीं पे हो रहा है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन लिखा है, ऑन, और एरो नीचे तरफ है, और ये रिजर्व है, यहाँ पे ऑन है। जैसे मैं चाबी अभी यहाँ पे लगा दिया, चाबी लगा दिया, इसका मतलब ऑफ मर है, ऑफ है। अभी यहाँ पे एरो बताया इधर ऑन है, तो मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा ये बाजू, तो ऑन हो गया। ऑन हुआ तो पेट्रोल आया, पेट्रोल बाहर आया, आ रहा है क्या, लीकेज वगैरह कहीं पे नहीं आ रहा है, तो अच्छा है। तो फिर से मैंने ऑफ कर दिया, अभी रिजर्व से देखता, पेट्रोल बाहर आ रहा है क्या, देखते, तो रिजर्व में घुमा रहा हूँ, आ रहा है क्या, देखते नहीं आ रहा है, इसका मतलब सही हो गया, ये मतलब सही हो गया। दोस्तों, पेट्रोल टैप फिट कर दिया मैंने, 22 नंबर का रिंग पाना लगता, उससे मैंने फिट किया, इसे मैं लगाना चाहता हूँ, इसे मैं लगाता हूँ, ये वाला मैं फिट कर देता हूँ, और पेट्रोल डाल के स्टार्ट करके देखूंगा। दोस्तों, टैंक में पेट्रोल नहीं, मैंने निकाल लिया था, इसे मैं अभी फिट कर रहा हूँ, पाइप को डालू, तो निकाल लेते, टैंक को खोलते, इसको निकाल के बाजू में रख देते, पेट्रोल डाल देता हूँ।
और गाड़ी स्टार्ट करके देखना है, ज़्यादा पेट्रोल डालना है। मेरा जो रिजर्व होता है वो 1.5 लीटर का है, ये 2.5 लीटर की बॉटल है एंड 1.5 लीटर, दोनों भी मुझे देखना पड़ेगा, रिजर्व से भी देखना पड़ेगा और जो मेन होता है उसमें से भी देखना पड़ेगा। दोस्तों इसे फिट कर दे लगाते और गाड़ी को स्टार्ट करके देखता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करके मैं देखता हूँ, बाकी से मैं मैनेज कर लूँगा। दोस्तों जो नया मैंने बिठा है उसका एक ही है, ये जूने वाले का है, ये नया वाला देखते हैं। चाबी लगा दिया, थोड़ा ऑन करते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं। शुरुआत में ऐसा ऐसा फिट हो जाएगा, जैसा फिल्टर होएगा वैसा वो स्पीड में चला जाएगा। देखते चाबी लगा के क्या होता है, पेट्रोल पास हुआ क्या नहीं पता चलेगा। गाड़ी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई गाड़ी, आप आवाज सुन सकते, गाड़ी स्टार्ट हो गई। दोस्तों इसको रिजर्व में रखते, देखते रिजर्व में, ये वाला ऑफ हो गया, ये बाजू रिजर्व हो गया, अभी रिजर्व में देखते रिजर्व कैसे होता है, देखते स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो गया रिजर्व भी स्टार्ट हो गया। दोस्तों जो एआर कंपनी का जो पेट्रोल टैप था ये मैंने रिप्लेस कर दिया, तो आपको पता होगा मैं मैकेनिक हूँ, लेकिन क्या हिसाब से इसको रिप्लेस करना है वो आपको दिखाने की कोशिश की। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।